करंटली स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हैं कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को लेकर क्या करना चाहिए। अगर आप लोग निफ्टी 50 की वैल्यूएशन को देखेंगे तो निफ्टी 50 की वैल्यूएशन में ज्यादा डाउनफॉल दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तब यहां पर सबसे ज्यादा डाउनफॉल दिखाई देगा। और स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग निफ्टी 500 के इंडेक्स को देखेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो करंटली ओवरऑल मार्केट सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि मार्केट में स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा मार्केट में जितनी भी मल्टीबैगर कंपनीज हैं, जितनी ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स हैं, वहां पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे और इसी के साथ साथ आपको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही होगी। लेकिन आखिर मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होने के पीछे का रीजन क्या है, आखिर स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में डाउनफॉल क्या आता जा रहा है और इस चीज का इम्पैक्ट निफ्टी पर क्यों नहीं पड़ रहा है। और इसके अलावा अगर आप लोग सेंसेक्स के वैल्यूएशन को देखेंगे तो सेंसेक्स के वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतनी क्यों गिर रही है। देखो स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स की प्राइस के गिरने के पीछे के मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है सेबी का स्ट्रेस टेस्ट। अगर आप लोग मार्केट में दोनों सेक्टर्स को देखेंगे तो दोनों सेक्टर की कंपनीज में काफी ज्यादा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर बढ़ते जा रहा था और खासकर स्टॉक मार्केट में मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर्स बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि इन कंपनीज के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए थे। और स्टैटिस्टिकली बात की जाए तो इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन में बहुत ही ज्यादा राइज देखने को मिला था। अब मार्केट में जिस किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस एकदम टॉप लेवल पर ग्रो करती है, एकदम सडनली ग्रो करती है, तब वहां पर काफी हद तक लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं और जब लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं तब इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में क्रैश आता है और इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है। और जब भी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स वोलेटाइल होते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं और इस तरीके का हाइप क्रिएट होने पर लोग इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं और उनकी उम्मीद ये होती है कि स्टॉक और भी ज्यादा ग्रो करेगा और उन्हें अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगी। और फाइनली इसी वोलेटिलिटी को देखते हुए सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट अनाउंस किया था, जहां पर सेबी ने एएमसी कंपनीज को कहा था कि स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या रिस्क कैटेगरीज होती हैं, किस तरीके के रिस्क आपको फेस करने पड़ सकते हैं इसके बारे में बताने को। तो इन्हीं कुछ मेजर रीजंस की वजह से स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है। लेकिन अगर आप लोग करंट लेवल पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में या मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में, तो करंटली आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा। आपको ज्यादा रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इतने रिटर्न्स कमाने के लिए आपको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट्स का टाइम पीरियड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ना मिले, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।